हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं टेकिया अखिल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा लॉस किए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप विंडोज 10 टू विंडोज 11 फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा लॉस किए। जी हाँ, आपकी कोई भी एप्स और डेटा लॉस नहीं होगा। जैसे कि आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे थे, उसी डेटा और एप्लीकेशंस के साथ आप विंडोज 11 यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर समझ आ सके और आप भी अपने ओल्ड पीसी और लैपटॉप को विंडोज 10 टू विंडोज 11 फ्री अपग्रेड कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। Also, if you want to watch all these videos in English, do subscribe to my main channel, WM Originals. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंडोज 11 ट्यूटोरियल और जानते हैं कैसे विंडोज 11 फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम विंडोज 11 इंस्टॉल करें, हमें चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर विंडोज 11 कंपेटेबल है या नहीं, और इसके लिए हम PC हेल्थ चेक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ये मैंने हेल्थ चेक एप्लीकेशन ओपन कर ली है। क्लिक करते हैं चेक नाउ और ये शो करता है दिस PC मीट्स विंडोज 11 रिक्वायरमेंट्स। पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। नाउ, जैसे कि मेरा लैपटॉप विंडोज 11 कंपेटेबल है, अब हमें विंडोज 11 ISO डाउनलोड करनी है। विंडोज 11 फ्री डाउनलोड करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर शेयर कर दिए हैं। विंडोज 11 ISO फ्री डाउनलोड करने के बाद हमें बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी है। विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर शेयर कर दिए हैं। अब हमने चेक कर लिया है कि हमारा कंप्यूटर विंडोज 11 कंपेटेबल है, विंडोज 11 ISO डाउनलोड कर ली है और विंडोज 11 बूटेबल पेन ड्राइव भी बना ली है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम अपने ओल्ड PC को विंडोज 10 टू विंडोज 11 फ्री अपग्रेड करेंगे। हम इस पेन ड्राइव के थ्रू बूट करके अपने लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उस प्रोसेस में हमारा सारा डेटा लॉस हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी डेटा लॉस ना हो और हमें कोई भी सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल ना करना हो। तो इसके लिए हम विंडोज 11 सेटअप फाइल का यूज़ करके विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले पेन ड्राइव ओपन करते हैं और विंडोज 11 सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करके विंडोज 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। विंडोज 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और ये रहा विंडोज 11 इंस्टॉलेशन विजार्ड। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर और ये अपडेट्स चेक करने स्टार्ट करता है और अगर कोई अपडेट्स अवेलेबल हैं तो उन्हें इंस्टॉल करता है। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद विंडोज 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस रीस्टार्ट होता है। After restarting installation process, it starts checking our PC और अगर हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर विंडोज 11 कंपेटेबल है तो ये शो करता है वी आर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। इसके बाद एप्लीकेबल नोटिसेस और लाइसेंसेस टर्म ओपन होती हैं, ये हमें एक्सेप्ट करनी है, बिल्कुल करनी है और करनी पड़ेगी अगर हम विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और ये फिर से अपडेट चेक करने लगता है और पूरा होने के बाद एक मैसेज आता है रेडी टू इंस्टॉल। यहाँ ये ऑप्शन शो करता है जो हमने चूज किए हैं, इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो एंड कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स। इस तरीके से हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। ये विंडोज 11 इंस्टॉल करने का बेस्ट और सबसे आसान तरीका है और मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि इसी तरीके से अपने ओल्ड PC को विंडोज 10 टू विंडोज 11 फ्री अपग्रेड करें। यहाँ हम चूज कर सकते हैं कि हम फाइल्स और एप्स रखना चाहते हैं या नहीं, और अगर विंडोज 11 क्लीन इंस्टॉल करनी है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं जल्दी ही ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे आप विंडोज 11 क्लीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक करते हैं इंस्टॉल पर और ये विंडोज 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है। इस स्टेप में सिस्टम कई बार रिस्टार्ट होता है और ये काफी टाइम लेगा, तो अपनी कॉफी और टी रेडी रखिए। लंच और डिनर टाइम है तो वो भी कर सकते हैं, ये कम से कम 1 से 2 आवर्स लेगा। और हाँ, पावर प्लग इन करके जरूर रखें।
ये कंप्लीट होने पर लैपटॉप रीस्टार्ट होता है और हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कैमरा रिकॉर्डिंग पर मूव करते हैं। सिस्टम रीस्टार्ट होता है और विंडोज 11 इंस्टॉलेशन कंटिन्यूस। वर्किंग ऑन अपडेट्स, इस स्टेप में सिस्टम कई बार रीस्टार्ट होता है, ये कम से कम 1 से 2 आवर्स लेगा। और हाँ, पावर प्लग इन करके जरूर रखें। और फाइनली विंडोज लॉगिन पेज ओपन होता है। अब अपनी विंडोज 11 हेलो पिन और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करिए। मैं विंडोज हेलो पिन यूज करता हूँ और एंटर करके लॉगिन करता हूँ। हियर विंडोज 11 सेज हाई, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स, प्लीज कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग्ड इन, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, गुड थिंग्स कमिंग योर वे। और फाइनली ये रही विंडोज 11। तो चलिए कैमरा रिकॉर्डिंग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर मूव करते हैं और ये हमारी विंडोज 11 रेडी है यूज करने के लिए। हम विंडोज 11 सेटिंग्स ओपन करके चेक कर सकते हैं विंडोज 11 एडिशन, जो कि विंडोज 11 प्रो है, वर्जन 21H2 और OS build 20.0.318 है। और हाँ, हमारी विंडोज 11 एक्टिवेटेड भी है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी ही आसानी से आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना डेटा लॉस के। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप भी अपने ओल्ड पीसी और लैपटॉप को विंडोज 10 टू विंडोज 11 फ्री अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर विंडोज 11 इंस्टॉल करने में कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने बहुत से विंडोज 11 ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल, इफ यू वॉन्ट टू वॉच वीडियोज इन इंग्लिश, डू सब्सक्राइब टू माई मेन चैनल WM Originals। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।